नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नागपंचमी पर्व पर परंपरानुसार जैतपुरा स्थित नागकुआ मंदिर में बड़ी संख्या में आस्थावानों ने किया पूजन। बड़ी पियर स्थित औघरनाथ तकिया स्थल पर गदा जोड़ी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। मुहर्रम की तीसरी तारीख को मुस्लिम बंधुओं ने किया नौहा मातम। और बीएचयू केंद्रीय विद्यालय के एक छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने पर अन्य छात्रों ने आक्रोशित होकर विद्यालय प्रशासन के विरुद्ध किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। नागपंचमी पर्व पर परंपरानुसार जैतपुरा स्थित नागकुआ मंदिर में बड़ी संख्या में आस्थावानों ने दर्शन पूजन किया। नाग देवता के पूजन का विशेष पर्व नागपंचमी पर जैतपुरा स्थित नागकुआ मंदिर में दर्शन पूजन करने वालों का तांता लगा रहा। भारी भीड़ के चलते पुलिस बल सहित सामाजिक संगठन के लोगों ने मोर्चा संभाला। भोर से ही श्रद्धालुओं ने हाथों में लावा दूध माला फूल लेकर नाग देवता सहित कुंड में अर्पित किया और सुख समृद्धि की कामना की। ऐसा मान्यता है कि इसी जगह पर महर्षि पतंजलि ने तप किया था। इस कुंड के नीचे शिव जी का विशाल मंदिर है। आज के दिन इस मंदिर में सर्प दोष हेतु विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। पुजारी चंदन ने मंदिर की विशेषता को विस्तार से बताया। वहीं श्रद्धालुओं ने भी मंदिर के महत्व को बताया। किसी भी प्रकार के सर्प दोष को यहां आज विधिवत पूजन अर्चन से दूर किया जाता है। दूर दूर से आकर लोगों ने सर्प दोष से मुक्ति हेतु पूजन किया। आज नाग पंचमी है, ठीक है। आज के दिन श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे दूध लावा और नाग नागिन का जोड़ा चढ़ा के अपने जो जन्म कुंडली में काल सर्प दोष नामक का एक दोष होता है उस दोष से निवारण पाते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में किसी प्रकार का दोष बाधा न हो और हमारे आगे उन्नति हो। इसलिए यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं, दूध लावा से चढ़ाते हैं, तुलसी का माला चढ़ाते हैं नाग देवता को और नाग नागिन का पूजा करते हैं। यहाँ प्राचीन कुंड है, महर्षि पतंजलि ऋषि जी का तपोस्थली है और महर्षि पतंजलि ऋषि जी जो थे वो शेषावतार थे, तो उन्हीं की एक तरह से जन्मोत्सव दिवस की तरह से ये नागपंचमी मनाई जाती है। और यहाँ मंदिर में दर्शन करने के बाद जो कुंड है उस कुंड के नीचे तकरीबन अभी 60 फीट पानी है, पानी के नीचे शिव जी हैं। शिव जी का शिवलिंग का पूजन होता है और उनका अभी पानी रहने से नहीं हो पाता तो कुंड में लोग दूध लावा चढ़ाते हैं। संदीप जी आज कहाँ आई हैं, क्या पर्व है? आज हम नागकुआ आए हैं, यहाँ नागपंचमी पर पूजा होती है और कालसर्प दोष भी यहाँ पर पूजा करने से दूर होता है। परिवार के लिए क्या आपने बाबा से मांगा आज से आती है? बस सबकी सुख शांति और सबका स्वास्थ्य हमेशा बना रहे। जी हाँ, यहाँ पर बस दूध और फूल माला सब भगवान को चढ़ा करके पूजा करते हैं। और आज हम लोग यहाँ बनारस में नागकुआ में काल सर्प दोष का पूजा करवाने आए हैं। यहाँ काल सर्प दोष की पूजा करवाने से जो भी मतलब एक जो दोष रहता है वो मिट जाता है यहाँ, और काफ़ी इसकी शांति करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो क्या दिक्कत है आपको? हम लोगों को काल सर्प दोष से हम लोग दोष है तो उसकी निवारण यहाँ पे ही की होती तो होती है। आप यहाँ पर मतलब इसका निवारण है? जी, बाबा का दर्शन करने आए और हर साल आते हैं और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। क्या है मान्यता यहाँ के पास मालूम है? हाँ, क्या मान्यता है यहाँ की? नागपंचमी के दिन माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से बहुत अच्छा होता है। बड़ी पियर स्थित औघरनाथ तकिया स्थल पर गदा जोड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
नागपंचमी पर्व पर बड़ी पेयरी स्थित औघरनाथ तकिया स्थल में परंपरा के अनुसार गदा जोड़ी डंबल प्रतियोगिता में एक से बढ़कर एक पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। मिठू पहलवान ने जब कांटे वाली जोड़ी फेरी तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हौसला बढ़ाया गया। तकिया के महंत भास्करानंद ने इस परंपरा के विषय में बताया और पहलवानों को अपना आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विनोद कुमार, रवि विश्वकर्मा, राजू यादव, दयाराम सोनकर सहित बड़ी संख्या में पहलवान व अन्य लोग उपस्थित रहे। गुरु जी, किस तरह की ये परंपरा का निर्वहन हो रहा है? हर साल बाबा का पंचमी पर अखाड़ा चुके हैं, यहाँ व्यवशाला है तो नागपंचमी में अखाड़ा का पूजा होता है। यहाँ भी सब लड़के करते हैं, बाबा का आरती पूजा होता है, सब अपना कला कौशल दिखाते हैं। तो आज क्या मान्यता होता है काशी के अंदर? अरे काशी के अंदर तो आज अखाड़ों का पूजा बहुत सब जगह होगा ना, नागपंचमी का दिन है, सभी अखाड़े में आज उत्सव मनाया जाएगा। ये बहुत जोड़ना है कि पुरानी परंपरा है, पूजन में सभी लड़के सब कोई भाई दोनों फेरते हैं यहाँ पर। तो आज आप कौन सा फेरे हैं? कांटा वाली जोड़ी फेरे हैं। तो क्या करना चाहेंगे, जिस तरह से अब ये लुक हो जा रहा है? लड़के इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, लड़के जिम चले जा रहे हैं, ये सब चीजों को रखने के लिए अभी ये लोग कर रहे हैं। नया नया लड़का नहीं दोनों की फेर सकते इसको, जिम में वाइड कर रहे हैं। जिम में क्यों लोग जा रहे हैं, इससे क्यों पीछा छोड़ा रहे हैं? जी इससे पीछा जो छोड़ा रहे हैं, देसी रियाज नहीं करना चाहते हैं, खाली पाउडर खा के बॉडी बिल्डर जो फुलाना रहे हैं। मुहर्रम की तीसरी तारीख को मुस्लिम बंधुओं ने नौहा मातम किया। इस्लाम धर्म में मुहर्रम का विशेष महत्व है। आसान शब्दों में कहें तो इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए मुहर्रम एक प्रमुख त्यौहार है। ये इस्लाम वर्ष कैलेंडर का पहला महीना होता है। हजरत मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल थे, उन्होंने मुहर्रम को अल्लाह का महीना बताया है। वहीं शकील अहमद जादूगर ने बताया कि 400 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक परंपरा का निर्वाह करते हुए इस वर्ष 5 अगस्त को 42 घंटे तक चलने वाला ऐतिहासिक दुलदुल का जुलूस निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि ये जुलूस दालमंडी क्षेत्र से निकाला जाएगा। वहीं इस दौरान उपस्थित मुस्लिम बंधुओं ने नौहा मातम किया। बीएचयू केंद्रीय विद्यालय के एक छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने पर अन्य छात्रों ने आक्रोशित होकर विद्यालय प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन किया। छात्र मयंक यादव के आत्महत्या करने के बाद अब मंगलवार को साथियों ने स्कूल गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। स्कूली ड्रेस में छात्रों ने वी वांट जस्टिस का नारा लगाते हुए स्कूल गेट पर बैनर भी लगवा दिए। छात्रों की मांग है कि मयंक जिसकी वजह से आत्महत्या किए हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो और उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही भी की जाए। छात्रों के साथ कुछ पूर्व छात्र और मृत मयंक की बहन तनीषा भी धरने पर बैठी देखी गईं। छात्रों का आरोप है कि केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य के अलावा चपरासी तक हिटलरशाही करते हैं। प्रार्थना सभा में ही कुछ दिन पहले प्रधानाचार्य दिवाकर सिंह 6 महीने के लिए छात्रों को सस्पेंड करने की बातें कर रहे थे। छात्रों का आरोप है कि स्कूल के जिम्मेदारों द्वारा छात्रों पर अत्याचार, मारना पीटना, स्कूल से निकालने की धमकी देना आम बात हो गई थी, जिसकी लगातार केंद्रीय विद्यालय संगठन बाल संरक्षण आयोग से शिकायत भी की जा रही थी। आक्रोशित छात्रों का आरोप है कि छात्र मयंक को प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य ने 25 से 30 थप्पड़ मारे थे और उनके माता पिता की भी बेइज्जती की गई थी। परिजनों का आरोप है कि मयंक ने तनाव के कारण मौत को गले लगा लिया। उन्होंने पुलिस से प्रकरण में उचित कार्यवाही की मांग की है। कहाँ गया हमारा मोबाइल? मेरा ये
संतोष यादव निवासी शेर गोवर्धन ने जो है सूचना दिया था रात्रि 31 जुलाई की 1 बजे के आसपास कि मेरे बच्चे मयंक यादव जो 9th क्लास का स्टूडेंट है केंद्रीय विद्यालय में, वो केंद्रीय विद्यालय में जो है BHU कैंपस में स्थित है, सुसाइड कर लिया है। इस आशय पर जो है पंचायतनामा भर करके PM की कार्रवाई कराई गई है। PM रिपोर्ट में भी निकला है काज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग, यानी फांसी लगाने से मृत्यु होना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पाया गया है, और उनके पिताजी ने भी और परिजनों ने भी जो है फांसी लगाने के बाद डेथ के बारे में उन्होंने लिख करके दिया था। हॉस्पिटल ले गए थे तो वहाँ डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया था। इस घटना के पीछे परिजनों का कहना है पिता का कि 28 तारीख को बच्चा स्कूल में गया था तो एक दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, उसका एक वीडियो बना रहा था। इस पर जो है गार्जियन को और बच्चे को बुलाया गया था और उनको हिदायत दी गई थी कि इस तरह का जो है कार्य स्कूल में ना करें और मोबाइल लेकर के ना आए। इस संबंध में भी विद्यालय प्रशासन द्वारा भी एक जांच अपनी इंटरनल कराई गई और आपस में विद्यालय प्रशासन के प्रिंसिपल में और जो है उप प्रधानाचार्य में और बच्चे के परिजनों में वार्ता भी हो रही है, और अभी तक जो मृत्यु का जो कारण है वो फांसी ही आया है। बच्चे ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें बच्चे ने लिखा है कि मेरी मृत्यु का कोई दोषी नहीं है। लेकिन घर वाले तो टीचर का जो प्रिंसिपल है वाइस प्रिंसिपल पर जमीन आरोप लगा रहे हैं कि टॉर्चर कर रहे थे, बकायदे बच्चे का सस्पेंशन कर दिया गया। सर पूरा स्कूल प्रशासन इस बार कटघरे में खड़ा है केंद्रीय विद्यालय का। इस संबंध में जो चेयरपर्सन हैं केंद्रीय विद्यालय के, उनके से अनुरोध किया गया है कि संपूर्ण तथ्यों की एक जांच करा लें और जो भी इसमें यदि कोई उत्पीड़न आदि में कोई दोषी हो तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। आपके पास कोई एप्लीकेशन है क्या की ओर से दिया गया है जिसमें मुकदमा दर्ज कराने की बात कही गई है? अभी इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र परिजनों ने पुलिस को नहीं दिया है। सर उसके बाद मोबाइल जो है करीब एक हफ्ते तक जमा किए थे, उसके बाद जो है परिजन मांग करते रहे लेकिन मिला नहीं। ये 28 तारीख की बात है, 28 जुलाई की, और ये घटना 31 को हुई है, और ये किन कारणों से इसने ये कदम बच्चे ने उठाया है ये संपूर्ण तथ्यों की भी जांच की जा रही है। लेकिन अब तक की जो जांच है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, सुसाइड नोट है, पारिवारिक जन का जो कहना है, पारिवारिक जन ने ही उसको जो है फंदे से उतारा भी था, अस्पताल भी ले गए, अस्पताल में चिकित्सकों ने उसको डेथ घोषित किया, तो अभी तक तो इसमें कोई विवाद ही नहीं, निर्विवाद है कि उसने सुसाइड किया। सुसाइड किन कारणों से किया इस संबंध में विद्यालय प्रशासन के जो चेयरपर्सन हैं उनसे अनुरोध भी किया गया है, उनके द्वारा भी एक इंटरनल इसकी जांच कराई जा रही है। सर मोबाइल को लेकर बहुत इशू है, क्या अभी तक क्या मोबाइल के द्वारा डेटा भी रिकवर कराया गया? ये संपूर्ण तथ्य जो जाँच कराई जा रही है उसमें तथ्य निकल करके आ जाएंगे। सर पुलिस किस दिशा में अपनी जांच कर रही है, किस दिशा में इस विषय ये संपूर्ण जो तथ्य हैं अभी ये जांच के जो पोस्टमार्टम होने के बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जांच होती है पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की, उसकी जांच की जा रही है। सर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इस पूरे मामले में सवालों के खटमले में है, उन्हीं का आरोप है, क्या पुलिस उनसे अभी तक कोई पूछताछ कर पाई है, उनसे कोई बातचीत हो पाई है? उस संबंध में अभी ये जो इंक्वायरी चल रही है और इंटरनल भी जो चेयरपर्सन हैं उनके द्वारा भी जांच कराई जा रही है। संतोष जी कल से क्या घटनाक्रम हुई है और अभी तक जो बच्चे से मोबाइल लिया गया था क्या आप लोगों को मिल पाया है? नहीं, क्या आश्वासन मिला है? मोबाइल अभी तक नहीं मिला है, मोबाइल अभी तक नहीं मिला है। क्या घटनाक्रम था कल से जो है? कोई नहीं, वो ये कही बात पूछ रहे हैं, तो जो आ रहे हैं वही बात पूछ रहे हैं कैसे मरा, कैसे हुआ, कैसे हुआ, और यही बार बार यही बात पूछा जा रहा है।
एफआईआर दर्ज की है? नहीं, अभी एफआईआर दर्ज नहीं किए हैं, अब करने जा रहे हैं। प्रथम दृष्टिया क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग है कि जैसे हमारा बेटा मरा है उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, और किसी और मांग का इस तरीके से हत्या ना हो। पुलिस द्वारा कहा गया एक लेटर भी मिला, क्या ऐसा कुछ मिला था वहाँ? नहीं, कोई लेटर नहीं। पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि लेटर मिला? नहीं, कोई नहीं। हाँ, मिला छोटा सा। क्या लिखा? बस वही कि इसमें किसी को न, मतलब घर के लोगों को, मतलब इस तरीके में न फंसाए। अच्छा, बिटिया ने ये चीज़ बतलाया कि जब ये लड़के के पास मोबाइल था वो गई आपकी अपने बहन को देने के लिए जी, तो उसने बोला कि अपने पास स्विच ऑफ करके रख लें, ठीक है। उसके बाद कुछ घटनाक्रम लाइब्रेरी में हुआ था जी, तो बेटे ने बताया कि घटनाक्रम क्या हुआ था लाइब्रेरी में? घटनाक्रम ये हुआ कि हम हमारे बेटे को बुला के दो थप्पड़ मारा था, तो ठीक भाई प्रिंसिपल है, बच्चा गलती किया है, मोबाइल लेके गया, दो थप्पड़ मार के। जो बच्चे ने रिकॉर्ड किया वो क्या रिकॉर्डिंग हुआ था? वो दो बच्चे उसमें आपस में लड़ रहे थे और वही रिकॉर्ड कर रहा था दोनों का। तब से मैडम पढ़ा रही थी, उनकी नज़र पड़ी कि तो उनको गलत हुआ कि ये हमारा वीडियो बना रहा है। उसके बाद मतलब बच्चे लड़ रहे थे, मैडम बैठी थी, उसको ध्यान नहीं। ये मरने का विशेष कारण है क्या कि उनके माँ बाप को बुला करके जलील किया गया है। वो लड़का बच्चा ऐसा है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि मेरे माँ बाप को बुला करके, मैंने माफ़ी भी मांगा तो मुझे क्षमा नहीं की, मैंने खुद माफ़ी मांगा हूँ कि मेरा बेटा गलती किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, ऐसा गलती नहीं करेगा। उसके बाद भी हमको नहीं, जाइए आप जाइए, और मोबाइल भी रख लिए, मोबाइल भी नहीं दिए। वही दशा उनकी माँ के साथ किया गया, उनको माँ को बुला करके जलील किया गया। किस तरह का जलील किया गया? जैसे कि आप लोग यही करते हैं। अच्छा, जाइए, मोबाइल नहीं मिले। किसने कही? सर, ये जो घटना हुई है सर, इस पर आपका सर क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे? घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और हम पूरे विद्यालय प्रशासन बहुत दुखी हैं और बहुत अचंभित हैं। इस घटना के बारे में तो पुलिस इंक्वायरी कर रही है, ये घटना लेकिन घर पे घटी है और इसलिए पुलिस इंक्वायरी कर रही है। घटना का मूल कारण क्या है इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन मेरे तरफ से, एक प्रिंसिपल की तरफ से, अगर कोई भी हमारे साइड से कोई होगा तो मैं उसको जो है जरूर नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई नहीं है। हम जस्टिस इंश्योर करेंगे और जो भी घटना के पीछे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, ये सारी घटना में जैसे जो छात्र था मयंक यादव वो एक्सपायर हुआ, तो एक मोबाइल की ही सब बात आ रही है। तो सर, एक तरफ नरेंद्र मोदी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है डिजिटल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, और अभी कोरोना काल में भी सब पढ़ाई जो है मोबाइल पे ही हो रही थी, और चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो गए चाहे ये योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अभी टैब भी बच्चों को बांटा है। तो अगर सर इन केस मान लीजिए कि लड़का मोबाइल लेकर आ भी गया, तो सर इतनी बड़ी ऐसा मतलब क्या बोल दिया वाइस प्रिंसिपल ने कि लड़के ने ऐसा कदम उठा लिया? नहीं, मोबाइल यूज़ करने से मैं कतई मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोबाइल क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा है उसमें मोबाइल यूज़ नहीं होता ना, क्योंकि फिजिकल क्लासेस चल रहे हैं ना, फिजिकल क्लासेस के बाद तो बच्चे मोबाइल यूज़ करें पढ़ाई के लिए, लेकिन जब फिजिकल में टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उसमें मोबाइल तो करेगा तो बच्चा फिर फोकस नहीं कर पाएगा ना। और इसमें मोबाइल लाने का नहीं, मोबाइल के लिए कुछ नहीं किया गया है, वो बहुत रूटीन वर्क है कि जो भी मोबाइल बच्चे लाते हैं हम लोग तुरंत पेरेंट को बुला के उनको समझा देते हैं, भैया देखो मोबाइल घर पर यूज़ करें, स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर को फोकस करें, यही चीज़। सर, आगे इस पे मतलब जो वाइस प्रिंसिपल हैं विनीता सिंह, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी या आपकी तरफ से क्या एक्शन हुआ अभी तक? इसमें पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना, और मैंने भी जो इंक्वायरी किया है उसकी रिपोर्ट मैंने अपने डिपार्टमेंट को भेज दिया है और पुलिस प्रशासन को भी दे दिया है। तो जो मेरी फाइंडिंग थी, अब पुलिस पूरी रिपोर्ट को देखते हुए तब तक जाएगी कि इस जो घटना हुई है इसका कहाँ पे कारण है, और जो भी पुलिस प्रशासन जो भी कार्रवाई करेगा रूल के तहत हम सबको मानना पड़ेगा और उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा जी। सर, नो डाउट कि केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, तो सर जैसे अभी बच्चे बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो बच्चों का सर ये भी आरोप है कि अंदर जो है वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम ड्रग्स लेते हो, ये सब तमाम बातें हैं। नहीं, ये सब कही कहीं बातें, इसमें कोई ऐसा नहीं बोला जाता। कॉमनवेल्थ गेम में काशी के विजय यादव द्वारा कांस्य पदक जीते जाने पर लोगों द्वारा उन्हें बधाई दी गई। कॉमनवेल्थ गेम में भारत को कांस्य पदक दिलाकर भारत का नाम रोशन करने वाले काशी के लाल विजय यादव के गांव में खुशी का माहौल है। सुबह से ही विजय यादव को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस दौरान विजय यादव के पिता दशरथ यादव व माता भावुक दिखे।
उन्होंने बताया कि विजय बचपन से ही बहुत ही मेहनती थे और खेल के प्रति उन्हें काफी रुचि थी। आज विजय ने देश का नाम रोशन किया है, ये बहुत खुशी की बात है। माता जी, काफी मेहनत करना पड़ रहा होगा विजय के लिए, कैसे पालती थी और कैसे मतलब मेहनत उनकी मेहनत बहुत मेहनत करे थे उसको, सब मेहनत करता है उसका भाई बहन सबको, देश के लिए अच्छा करें अब हमारे लिए भी अच्छा करें, बचपन से करते हैं यही सब। सुबह कितने बजे निकल जाते थे शहर की, काफ़ी दूर पड़ता था सीखने के लिए, कैसे तैयार करवाती थी और कैसा कैसे ये जो सपना पूरा हुआ है, इस सपने को कैसे देखा करती थी? सपना अपने से देखा फिर अपने से करें, थोड़ा जो हमसे हो सके हम करें, अपने से भागने लगा कि हम यहाँ करने जाते जूडो खेलने जाते हैं साइकिल से कोई के साथ में, भागने लगा के हम करेंगे, सबको लगा लगा कि बेटा करने हो तो करो, देश के लिए रक्षा करो, मेरे लिए करो, गांव के लिए करो, सबको लिए करो, बहुत खुश है, बहुत खुश है, विदेश में जाकर के नाम करे, इसके आगे बढ़ो, इसका हौसला हम लोगों को बढ़ो, उन्हों को बढ़ो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society's Central Academy. Now our fifth branch at Bhojubir behind Vishal Megamart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Mahesh Nagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojubir Crossing. Our contacts 240-3439, 245-1900, 236-8300, 231-006. Our motto, we make your child's life. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi. With science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup 2 class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab. State of the art computer lab. Smart classes, music classes, art and crafts. Experienced and dedicated faculty members. Well stocked library. Indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, Chetganj, Varanasi. हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान ताकि आप बने स्वनिर्भर, देते हैं एक बेहतर सोच ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय,
आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garhwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ बीएससी एवं बीकॉम, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detailed contact, Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalay, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalay, Senior Secondary School, Prahlad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिनियाबाग स्थित प्राचीन राम सिंह अखाड़े में पहलवानों ने अपने दमखम का बखूबी प्रदर्शन किया। बेनियाबाग स्थित प्राचीन राम सिंह अखाड़े में भारी संख्या में पहलवानों का जमावड़ा हुआ। सभी ने पहलवानी कुश्ती के माध्यम से अपने दमखम का बखूबी प्रदर्शन किया। परंपरागत तरीके से लोगों ने कुश्ती में भाग लिया। विजयी पहलवानों को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया गया। प्राचीन अखाड़े से कई नामचीन पहलवान निकल चुके हैं जो देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। इस अवसर पर जज्जो सिंह, दीपक सिंह, झिंटू सिंह, गप्पू सिंह, दिवेश सिंह सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे जिन्होंने पहलवानों का स्वागत किया। ये नागपंचमी के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग पहलवानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं और इनका जो भी साल भर की तैयारियां होती हैं, आज एग्ज़ाम का दिन होता है तो आज इनका हमने एग्ज़ाम लेके इनको इनाम से, पैसे से इनको नवाजा जा रहा है कि ताकि इनका मनोबल बढ़े और ये आगे चल के और भी तैयारियाँ करें। इस अखाड़े से कौन कौन से कितने पहलवान अब तक जो है नामचीन कलाकार हैं यहाँ के? हमारे अखाड़े से अनगिनत पहलवान निकले हुए हैं और वो भी नामचीन जो देश विदेश में अपना भारत का परचम लड़ा के आए हैं, जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अशोक यादव जी हैं और तमाम पहलवान, जिसमें चिकन पहलवान, जिसमें झारखंडे राय, बिल्कुल उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, उनका सम्मान बढ़ाया जा रहा है ताकि वो हमारे देश का मनोबल, उनका सम्मान बढ़ेगा तो हमारे देश का भी सम्मान बढ़ेगा। बड़ा गणेश स्थित अखाड़े में आयोजित कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में विजयी पहलवानों को पुरस्कृत किया गया। नागपंचमी के पर्व पर सभी अखाड़ों में भव्य कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस क्रम में बड़ा गणेश स्थित अखाड़े में बड़ा गणेश व लोहटिया व्यापार मंडल की ओर से नामी पहलवानों का दंगल कराया गया जिसमें विजयी पहलवानों को पुरस्कृत किया गया। विभिन्न अखाड़ों से पहुंचे पहलवानों ने जोर आजमाइश की, वहीं नगद राशि भी पहलवानों पर बाजी लगाकर दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों को अंगवस्त्रम माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह व गदा देकर सम्मानित किया गया।
मुख्य अतिथि ने आयोजकों को बधाई दी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कुंवर यादव, बच्चा यादव, राजू यादव सहित बड़ी संख्या में पहलवान व दर्शक उपस्थित रहे। बनारस ही नहीं, पूरे पूर्वांचल के कोने कोने से यहाँ पर पहलवान आते हैं और यह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है बड़ा गले से खड़ा यहाँ के लोहा व्यापार मंडल और यहाँ के व्यापारियों के द्वारा कराया जाता है, जिसमें सभी तरीके के कुश्ती और यहाँ पर लड़के जो है करते हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाता है और उन्हें पुरस्कृत करके पुरस्कृत भी किया जाता है उन्हें। इस अखाड़े से क्या कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलवान निकले क्या? नहीं, निश्चित रूप से यहाँ पर बाबुल पहलवान जैसे लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर से, नरेश जी है अंतर्राष्ट्रीय हैं, ये खेल के मतलब निकले हैं यहाँ से, और यहाँ से जो नौजवान खेल कर जाते हैं तो आगे भी खेलने का काम करते हैं और जो समाज और देश का गौरव बढ़ाने का काम करते हैं। किस तरह से इस परंपरा को बढ़ाएंगे आप लोग? देखिए, कहीं ना कहीं से ये आपने पूछा पिछले क्वेश्चन में कि ये लुप्त होता जा रहा है, लेकिन वही नागपंचमी के दिन हर साल की बात, इस साल भी जो है हमारे आयोजक समिति कुंवर यादव के द्वारा और विकास यादव बच्चा के द्वारा यह कार्यक्रम किया जाता है, जिस तरह और पूरे मतलब हर्षो उल्लास के साथ यह कार्यक्रम किया जाता है। ये हमारी जो पुरातन परंपरा है, ये हमारे समाज में समरसता, समृद्धि और स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत जरूरी है और इस परंपरा को बनाए रखना हमारी और आने वाली पीढ़ी की सबकी जिम्मेदारी है और इसको बनाए रखना चाहिए। और आपने जो कहा सही बात है कि ये परंपरा धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, नहीं तो गाँव में जब हम लोगों की उम्र कम थी, बच्चे थे, तो ये हर गांव में इस तरह के आयोजन और प्रतियोगिता होती रहती थी और ये बड़ी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती थी। इससे गांव से अच्छे लड़के निकल के आते थे और इसी ये परंपरा भी एक चयन का माध्यम थी और इसको बनाए रखना चाहिए। यह जो परंपरा है बहुत अच्छी परंपरा है और मेरा ये मानना है, कहना है कि यह सभी लोगों को हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर लाइन में करना चाहिए। लुप्त होता जा रहा है ये परंपरा? नहीं, जो लुप्त होता जा रहा है ये लोगों की गलत सोच है, इसमें अच्छी सोच होनी चाहिए, इस परंपरा को पुनः कायम करना चाहिए। तो जिम से फायदा है या पहलवानी से, इसमें क्या अंतर है? ऐसा है कि फायदा तो वास्तव में पहलवानी से है, जिम से कोई फायदा नहीं होता, वो क्षणिक होता है, पहलवानी जो है टिकाऊ होती है, लेकिन इसमें भी कुछ विशेषता होती है कि कैसे हम करेंगे वो टिकाए। रोहनिया के श्रीपुर निवासी एक व्यक्ति ने चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई। रोहनिया थाना अंतर्गत केसरीपुर निवासी शिवशंकर सिंह नामक व्यक्ति ने कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने चोला मंडल फाइनेंस कंपनी से वाहन फाइनेंस कराया था, जिनको पूरा पैसा दे दिया गया था, उसके बावजूद धोखाधड़ी से वाहन को दूसरे को बेच दिया गया। कमिश्नर से शिकायत करने के बाद वाहन बरामद हुआ जो कि मड़ुआडीह थाने पर है, लेकिन इस बाबत मुकदमा नहीं लिखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि लहरतारा चौकी इंचार्ज द्वारा इस मामले में हिला हवाली की जा रही है। आज कचहरी परिसर में आए, क्या है, क्या वजह है? कचहरी परिसर में आए, मैंने एक गाड़ी खरीदा था, ये अशोका लीलैंड दोस्त, गाड़ी नंबर है UP 65 GT 6529, जिसको चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस कराया था, इनका सारा पैसा दे दिया, उसके बावजूद हमारी गाड़ी धोखाधड़ी से ले जाकर दूसरे को बेच दिए। 21 तारीख को कमिश्नर साहब को दरखास्त दिए, 22 को गाड़ी बरामद होकर मड़ुआडीह थाने पर है, आज तक मड़ुआडीह थाने पर खड़ी है, लेकिन मेरा मुकदमा नहीं लिखा गया आज तक। अब मैं थाने का चक्कर लगा रहा हूं, तब कचहरी में आकर के जो है कोर्ट में दरखास्त दे रहा हूं। क्या आपको गाड़ी अभी तक मिली? अभी तक नहीं गाड़ी मिली है। किसके द्वारा हिलावली किया जा रहा है? ये है मड़ुआडीह थाने पर एक चौकी इंचार्ज हैं
ये लहरतारा चौकी इंचार्ज है नहीं के द्वारा हिला हवाली किया जा रहा है। क्या आश्वासन मिला था जब आप कमिश्नर के यहाँ गए थे पत्र? कमिश्नर के यहाँ गए तो आश्वासन मिला, कमिश्नर साहब ने आँखें मांगा और मुझे लिख करके दिया कि ये ले जाकर थाने में दे दो और कोर्ट से गाड़ी रिलीज करा लो, ये कमिश्नर साहब ने कहा। अभी आपकी गाड़ी कहाँ है? अभी हमारी गाड़ी मडुआरी थाने पर ये DLW चौकी पर खड़ी है। किसके नाम, किसको बेची गई थी गाड़ी, क्या नाम है गाड़ी? उसका नाम मैं नहीं जानता किसको बेची गई। उसके बारे में बता दीजिए क्या बात है? वो उसके बारे में ये था, वो एक आदमी जो है रात में कसाई बाड़े में बेची गई थी, चमड़ा ढुलाई करता था। मैंने कमिश्नर साहब से कहा कि अगर गाड़ी पर कोई वारदात होती है तो मैं फंसूंगा। उन्होंने तत्काल आदेश दिया, मडुआरी पुलिस गाड़ी बरामद कर ली। अभी क्या चाहते हैं, क्या न्याय चाहते हैं? हमें न्याय ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ अन्याय किए हैं, जिन लोगों का मैं नाम दिया हूं, उन पर मुकदमा किया जाए और गाड़ी मुझे मिलनी चाहिए। कचहरी परिसर में जगह जगह गंदगी का अंबार देखने को मिला। कचहरी परिसर में गंदगी का अंबार देखने को मिला। जहां जगह जगह पर पान की पीक के दाग दिखे, वहीं चारों तरफ गंदगी ही गंदगी देखने को मिली। पूरे परिसर में जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह ने बताया कि यह जिम्मेदारी हम सबकी है। जहां प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत का अभियान चलाया जा रहा है, वहीं हम अधिवक्तागण अपने ही चैम्बर के बाहर कचरा फेंकते हैं। ऐसे में बार काउंसलिंग की भी जिम्मेदारी है कि महीने में 4 बार कचहरी परिसर की सफाई कराएं और अधिवक्ताओं को भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कचहरी परिसर को जगह जगह देखने को मिल रहा है, जहां पान थूका हुआ है, सामान फेंके हुए, पुरवा फेंके हुए हैं, मतलब गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तमाम लोग आते जाते हैं। और इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको ध्यान दिया जाए, साफ सफाई रखी जाए? हमारा मैं हरिशंकर सिंह एडवोकेट, एक चेयरमैन मेंबर बापू साहब उत्तर प्रदेश, इसके बारे में हमारा ये कहना है कि हमारी मानसिकता भी गंदी है। शासन प्रशासन को लोग भी कचहरी पर ध्यान नहीं देते हैं, खाली बड़े बड़े नेताओं के पीछे घूम करके अपनी क्रेडिट बनाना चाहते हैं। ये सरकार की, शासन की, प्रशासन की, नगर निगम की ये जिम्मेदारी है कि कचहरी की साफ सफाई रखे। योगी और मोदी बाबा का फार्मूला हर जगह तो अप्लाई होता है, लेकिन हमारे कचहरी में फेल कर गया है। हर जगह गंदगी, पान खा के थूकते हैं, इसकी निगरानी भी उनको करना चाहिए। और हमको भी, हमारी जनता को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि साफ सफाई का ध्यान रखते हुए स्वच्छ भारत को बनाने के लिए कम से कम थूकने की जगह जहाँ वहीं थूकें, दीवारों पर न थूकें। ये मानसिकता का द्योतक है। हमारी मानसिकता गंदी है, कम से कम इतना विचार होना चाहिए। इतनी साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन हमारी जनता पर उसका कोई असर नहीं है। यह शासन के प्रशासन के लोग, नगर आयुक्त के अधिकारीगण, पदाधिकारीगण ध्यान दें और कम से कम महीने में 4 बार कचहरी का सफाई होना चाहिए। सफाई के नाम पर हमारे बनारस में हजारों करोड़ों रुपया खर्चा हर साल हो रहा है, हर महीने हो रहा है, लेकिन हमारी कचहरी अभी घूम के देखेंगे पूरा करकट जगह जगह लगा हुआ है। यह जिम्मेदारी शासन की है, प्रशासन की है और नगर आयुक्त के भी है। और हमारे जो प्रतिनिधि हैं, MP हैं, MLA हैं या जो हमारे मंत्री जी गण हैं लोग, उनको भी ध्यान देना चाहिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर जिला पंचायत विभाग द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। जिला पंचायत विभाग में इस बार आज़ादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मनाने को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। विभाग द्वारा गांव में अमृत महोत्सव के तहत तालाबों पर भी इस वर्ष झंडा रोहण किए जाने की तैयारी चल रही है। अमृत महोत्सव को लेकर के देश की आज़ादी के बाद जो है अमृत सरोवर को, जो हमारे वहाँ 7 अमृत सरोवर जो है चयनित किया गया है, ये चोलापुर में, हंडिया डी में, बड़ा गांव में, मलहत में, सेवापुरी में, कालिका बाजार, फिर सेवापुरी में, रघुनाथपुर में, काशी विद्यापीठ में, बंदेपुर, काशी विद्यापीठ में, करौता और अराजी लाइन में, दिनदासपुर में। इसका काम ग्राम पंचायत द्वारा मिट्टी कार्य कराए जाने के लिए माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जो है सुपुर्द किया गया था, और केवल जो है बंदेपुर और हंडिया डी
में काफ़ी पानी भर गया, वहाँ पर कुछ ही काम हुआ है, हल्का फुल्का 10%, बकिया पांच जगह जो है मैक्सिमम 80-90% काम जो है हमारे पूरे हो गए हैं। और जिस पर जो है गवर्नमेंट के दिशा निर्देशानुसार 15 अगस्त को वहाँ पर जो है स्ट्रक्चर का निर्माण करा करके, वहाँ दो स्ट्रक्चर का निर्माण कराया जाना है, वहाँ पर झंडारोहण का कार्य संपादित कराया जाएगा संबंधित ग्राम प्रधान के द्वारा। प्रधान के द्वारा उस दिन क्या कुछ अधिकारी भी होंगे उनके साथ में? वहाँ के ग्रामवासी भी रहेंगे, वहाँ के भी जो भी जनप्रतिनिधि रहेंगे क्षेत्रीय, वहाँ उनको सम्मिलित करते हुए ये पूरे हर जगह से शासन का निर्देश आया कि कहाँ कहाँ कौन जो है झंडे का मतलब झंडारोहण किया जाएगा, उसका झंडारोहण का कार्य संपादन किया जाएगा। चौरसिया दिवस पर समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। नागपंचमी पर्व पर चौरसिया समाज द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चौरसिया दिवस मनाते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा नया पान दरीबा से निकली जो काली महाल लहंगपुरा औरंगाबाद होते हुए रामकुंड पोखरा के पास स्थित रामकुंड अखाड़ा पर पहुंची, जहां शोभा यात्रा का समापन हुआ। वहीं इस दौरान जगह जगह यात्रा का स्वागत भी किया गया। सभी कार्यक्रम चौरसिया समाज गौरव उत्तर प्रदेश वाराणसी द्वारा सम्पन्न हुआ। शोभा यात्रा निकली है, इसमें क्या कहना चाहिए? शोभा यात्रा निकली है, इसमें क्या कहना चाहिए? काशी के प्रमुख व्यवसाय में से एक है पान का व्यवसाय। काशी की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखने में इस व्यवसाय का बड़ा योगदान है और ये व्यवसाय चौरसिया समाज द्वारा किया जाता है। चौरसिया समाज द्वारा नागपंचमी के दिन ये शोभा यात्रा पारंपरिक रूप से हर वर्ष निकाली जाती है। काशी धर्म की नगरी है, ऐसी सभी धार्मिक यात्राएं हमारे बीच एकता बढ़ाती हैं, हमारी मन से हमें एक दूसरे के करीब लाती हैं। ऐसी यात्राओं में सम्मिलित होकर कि हम जनसेवकों का सौभाग्य है कि समाज बुलाता है, हम आते हैं और ऐसी यात्राओं में अपनी सहभागिता करते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नागपंचमी पर्व पर परंपरानुसार जैतपुरा स्थित नागकुआं मंदिर में बड़ी संख्या में आस्थावानों ने किया पूजन। बड़ी पियर स्थित औघरनाथ तकिया स्थल पर गदा जोड़ी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। मुहर्रम की तीसरी तारीख को मुस्लिम बंधुओं ने किया नौहा मातम। और बीएचयू केंद्रीय विद्यालय के एक छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने पर अन्य छात्रों ने आक्रोशित होकर विद्यालय प्रशासन के विरुद्ध किया प्रदर्शन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।